Hello everyone, welcome to IBS Institute Chandigarh. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni और आज हम डिस्कस करेंगे SSC CGL Tier 2 या SSC CGL Mains का जो पेपर हुआ था 26th of October 2023 को. पेपर की अगर लेवल की बात करें तो ये जो लेवल था इसका इतना ज़्यादा कोई हाई लेवल नहीं था. आप बोल सकते हैं कि ईजी टू मॉडरेट, मॉडरेट से भी मुझे इसका लेवल जो है कम लगा. देखिए, एक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी अगर बच्चे ने अच्छे से प्रिपेयर किया हो एग्ज़ाम को तो इस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन थे उनको वो इजीली कर पाता. ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ब्लड रिलेशन से, इसमें गिवन क्या है, क्यू इज द मदर ऑफ आर, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, एस इज द ब्रदर ऑफ आर. क्यू इज द मदर ऑफ आर, क्यू मदर है आर की, ठीक है, और पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी हस्बैंड है क्यू का, और क्या है, एस इज द ब्रदर ऑफ आर, एस ब्रदर है आर का. तो उसमें क्या पूछा, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, एस के, एस की भी मदर बनी, मदर का ये हस्बैंड है, मदर का हस्बैंड मतलब फादर, तो इसका पहले का आंसर आता ये बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इस क्वेश्चन में क्या था, यहां पे हमें दिया गया है कि स्टेटमेंट है फॉलोड बाय टू पॉसिबल रीजंस, रीजन दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट दी गई है, इसके नीचे रीजन है, हमें बताना है कि कौन सा इसमें से रीजन सही बन रहा है. ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां पे गिवन है, इन इंडिया लार्ज सिटीज हैव अट्रैक्टेड माइग्रेंट पॉपुलेशन फ्रॉम द अक्रॉस रूरल पार्ट्स ऑफ कंट्री. ठीक है, तो ये बताया गया है कि बहुत सारे जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, रूरल पार्ट से भी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन इंडिया, इंडिया सिक्स लार्जेस्ट मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता एंड हैदराबाद, अप्रोक्सीमेटली 48% ऑफ द रेजिडेंट्स वर माइग्रेंट्स. ठीक है, अगर इनकी बात करें तो इसमें माइग्रेंट्स जो बाहर से आए हुए हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कुछ चीज बताई गई है, इसमें इसका कारण क्या है, कारण देखते हैं. तो माइग्रेशन हैपन्स ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर करियर एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स इन सिटी. तो बेटर करियर हो, ठीक है, और उसके लिए अच्छे प्रॉस्पेक्ट हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट हो, उसी के लिए जाता है. ठीक है, पर्सन कोई भी माइग्रेट करेगा तो पहला तो उसका आंसर बन रहा है. ठीक है, बट अगर हम देखें माइग्रेशन हैपन बिकॉज पीपल लाइक ट्रैवलिंग, तो ये तो कोई कॉमन, कोई ऐसा रीजन नहीं बनेगा, इसलिए सेकंड जो इसका आंसर नहीं बनेगा. ठीक है, तो फर्स्ट जो इसका प्रॉपर रीजन बन रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में देखिए यहीं पे इसका आंसर दिए गए, ये चार हैं, तो उसमें से कौन सा बनेगा, इसमें बनेगा फर्स्ट इज द पॉसिबल रीजन. ठीक है, इसी क्वेश्चन का ये आंसर बन रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, देखिए इस क्वेश्चन में है, व्हेन द बिलो गिवन डायग्राम इज फोल्डेड टू द शेप ऑफ क्यूब, व्हिच सिंबल विल फेस ऑपोजिट टू व्हाट, ये दिया गया है यहां पे, इसके ऑपोजिट क्या है, ये यहां पे दिख रहा है ना, तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो डाइस है, ओपन डाई का स्ट्रक्चर है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो अल्टरनेट होगा इसका, इसको छोड़ के आगे जो बनेगा, ये जो होगा इसके ऑपोजिट बनेगा. ठीक है, हमें ऑपोजिट फाइंड आउट करना था, ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था. अब ये देखिए यहां पे बोला गया कि कार्ड को लिखा गया 7359, सर्व को लिखा गया 1256, पैक वर्ड को लिखा गया ये, तो हमें डी का बताने कि डी क्या बना. अगर आप ध्यान से देखें, देखिए कार्ड वर्ड है, कार्ड इसमें है 7359, सर्व इसमें दिया गया है 1256, और पैक इस वर्ड में दिया गया है 8497. और अगर हम बात करें इसमें डी किससे बनेगा, अगर हम देखें डी हमें यहां पे मिल रहा है, अगर इसके तीन लेटर हमें मिल जाए बाकी इसमें कंपेयर करके, तो हम बता पाएंगे ना कि जो चौथा लेटर होगा वो डी का ही जो है कोड बनेगा इसमें. यहां पे नंबर देखिए, सी और ए आपको यहां पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो इनके जो है यहां पे आपको नंबर्स भी दो सेम मिलेंगे. कौन कौन से मिल रहे हैं, देखिए 7979, तो ये सी और ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि सी को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, सेकंड देखिए यहां पे आर हमें इसमें मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, कोई एक नंबर कॉमन है, कौन सा, इसमें दोनों में कॉमन मिल रहा है 5. ठीक है,
तो अभी कौन सा बचा, यहाँ पे 3 बच गया, तो 3 ही इसका कोड बनेगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमें क्या बनाना है, हमें इसमें से 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर्स आर अलाइक, मतलब ये जो है एक जो है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है या ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, हमें बताना है कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। तो देखिए 13, 17, 1, 18, 162। तो 13 से देखिए क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 13 गुना 9 117, 18 गुना 9 162, 15 गुना 9 135, 11 गुना 9 99। तो यही डिफरेंट बनेगा ना, ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है इसमें रिलेशन कि 18 से 74 बनाना है, 74 से ये बनाना है। ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि 18 गुना 4 कितने बन गए, 72, इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो बन गया 74। ठीक है, 74 बन गया। क्या यही चीज आगे अप्लाई हो रही है? तो देखिए अगर मैं इसे 7 से अप्रोक्सीमेट करूँ ये 29 को, तो ये कितना बन रहा है, 4 गुना बन रहा है। तो 74 का भी मैं 4 गुना करता हूँ तो 4 चौके 16 और 7 चौके 28, तो ये बन गया 29, 296 बने। 2 अगर इसमें ऐड करते हैं तो कितना बना, 298, ये इसमें बन गया। तो यही चीज इसमें अप्लाई करके देखो, इसके नेक्स्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा इसमें 4778, किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, 4 8 32, 28 3 31, 3 31 3 16 3 19, तो ये बना। इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा, 1 9 11 4। सिंपली क्या करना था, जो हमने रूल इसमें फॉलो किया यही फॉलो होगा इसमें, तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे हमें बोला गया है इसमें कि कितने इसमें पर्सन बनेंगे। देखिए इसमें बोला कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सीटेड। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं, जिसने सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से किया होगा ये क्वेश्चन इजी से कर पाता। तो उसमें बोला गया यहाँ पे कि एन इज सीटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के थर्ड लेफ्ट में, पी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, एन। तो ये इसमें नेक्स्ट में बनेगा यहाँ पे 2 छोड़ के, थर्ड लेफ्ट मतलब सभी फेस कर रहे हैं नॉर्थ में, तो लेफ्ट हमारे लेफ्ट की तरफ इनका होगा, तो थर्ड लेफ्ट इस तरह से बना। और एन के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला कि ओ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। ठीक है, और एम के रिगार्डिंग है एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, इसके थर्ड लेफ्ट में हमने क्या किया, इसको एम को बना लिया, और एम के विद रिस्पेक्ट हमने ओ को बना लिया थर्ड लेफ्ट में, और ओ के विद रिस्पेक्ट क्या बोला, एम इज सिटिंग बिटवीन ओ एंड एन, एम जो है ओ और एन के बीच में है, और एन इज सिटिंग बिटवीन एम एंड पी, एम एन जो है एम और पी के बीच में है। इफ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, तो हमें बताने के टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, सिंपली क्या करना है, काउंट कर लो जो मैंने यहाँ पे डैश बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर्सन है, ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये थोड़ा लग सकता है कि टफ हो, बट यहाँ पे देखिए इसमें कुछ सीक्वेंस दिए, फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अगर हम एरो को देखो तो ये एरो आगे शो कर रहा है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर ये इधर, तो आप देखिए इसमें ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है 90 डिग्री, ठीक है, क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर क्या आएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब यहां पे जो शो होगा आपको एरो इस तरफ शो होगा। तो देखिए इसमें कौन से ऑप्शन में बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है और इसमें बन रहा है, मतलब पहली ऑप्शन तो आपकी गलत बनेगी। अब आगे देखिए इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, देखिए पी टी एस आर और यहाँ पे जो ये बॉक्स दिया है लेटर्स में, ऐसा नहीं कि किसी नए लेटर को या नई जो है सिंबल को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, वही है इसमें आपका जो ये जो बॉक्स है यहाँ पे ये आर की जगह आ गया, और आर कहाँ पे मूव कर गया, पी की जगह, और पी आगे इधर मूव कर गया, और टी आगे मूव कर गया, और यहाँ पे जो था वो इधर मूव कर गया। सिमिलरली आप देखिए इसमें नेक्स्ट में क्या बन रहा है, एस इस बॉक्स की जगह मूव किया, और बॉक्स यहाँ पे मूव किया, और आर इसकी जगह मूव किया, और पी इसकी जगह, और टी जहाँ पे ये खाली हुई थी जगह उस जगह पे आ गया।
नेक्स्ट इस केस में भी सेम बन रहा है, ये चला गया इधर और ये इधर, ठीक है, सिमिलर बन रहा है इसमें और ये इधर आ जाएगा। तो आगे क्या बनेगा, इस केस में बनेगा ये जो टी है वो यहाँ पे होगा, तो हम टी को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, और बॉक्स को आगे मूव करवाते हैं, ये जो एस जो है यहाँ पे बन जाएगा और बॉक्स बीच में बन जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे जो आर है आर नीचे आ जाएगा और इस टी की जगह कौन आएगा, पी। तो ये टी एस बॉक्स पी और आर, ये आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, सीरीज थी, उसको हमने फाइंड आउट करना था, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, तो लुक सी कैरी लिफ्ट क्लोज डिस्टेंट ट्रेवल टूअर। तो क्या मीनिंग है, देखिए लुक सी कैरी लिफ्ट, ठीक है, क्लोज डिस्टेंस, ये ऑपोजिट है, बाकी थोड़ा सिनोनिमस लग रहे हैं, बाकी में सिमिलैरिटी, जैसे ट्रैवल करते हैं तो टूअर करते हैं, ठीक है, लुक करते हैं, लुक का सिनोनिम सी, कैरी करते हैं तो क्या करते हैं, कैरी जैसे उठा के लेके जा रहे हैं तो कैरी लिफ्ट करेंगे उसको, तो यही बनेगा डिफरेंट, ये जो है ऑपोजिट है। आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे इसमें गिवन है क्वेश्चन है इधर कि ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल सर्कुलर टेबल, ईच ऑफ देम फेसेस ईच अदर, ठीक है, टू द सेंटर, और क्या करेंगे, और आउटसाइड। इसमें क्या बोला है, ईच ऑफ देम आइदर फेसेस टू द सेंटर और टू द आउटसाइड, या तो इनसाइड है या फिर आउटसाइड। ऑपोजिट टू द सेंटर मतलब क्या है, आउटसाइड, और बोला है इन विच ऑफ द विच डायरेक्शन इज डी फेसिंग, डी की फेसिंग क्या है, हमें बताना है कि डी की फेसिंग कहां पे है। तो इन दो स्टेटमेंट्स का यूज करके हम बताएंगे, देखिए बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ एंड बोथ आर फेसिंग टू द सेंटर, बी सेकेंड राइट में है एफ के। तो देखिए यहां पे अगर मैं बनाना चाहूं उसको, सिक्स पर्सन है, सिक्स पर्सन को आप इस तरह से बना सकते हैं, ये सिक्स पर्सन बन गए। अब फेसिंग हमें पता नहीं है तो हम इसमें अपने रेफरेंस के लिए लेफ्ट और राइट नहीं लिख सकते, बट यहां पे बोला कि बी इज सेकेंड राइट ऑफ एफ एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर, ठीक है, तो ये एफ है, ये फेस कर रहा है सेंटर को, बी उसके सेकेंड राइट में, तो ये बी बन गया, दोनों सेंटर में फेस कर रहे हैं। ओनली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड ई फ्रॉम द आइदर साइड, सिर्फ दो ही पर्सन है ए और ई के बीच में दोनों का, मतलब यह क्या आएगा, ए और ई ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के, ठीक है, ए और ई ऑपोजिट है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ ए एंड ई आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ए बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब यहां पे ए नहीं होगा, तो ए इधर होगा और ई सामने होगा। अब हमारे पास क्या इसमें ऑप्शन बन रही है, इस केस में एक बचता है, जो एलिमेंट बचता है वो बचता है सी और डी, बट क्या हम इसको प्लेस कर पाएंगे इसके थ्रू, पहली स्टेटमेंट से हमें सी और डी का नहीं पता चल रहा, या तो सी इधर होगा या फिर सी इधर होगा, फेसिंग भी नहीं पता इसकी, ठीक है, और क्या बोला, ए और ई जो है सेम डायरेक्शन फेस कर रहे, या तो इनसाइड होंगे या फिर आउटसाइड। सी इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, सी ऑपोजिट है बी के, और डी इज सिटिंग टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, डी बैठा है कहां पे, सेकेंड लेफ्ट में सी के। तो हमें अगर मैं सी को यहां पे बैठाऊं, मान लो जैसे ये इनसाइड है ना, तो उस केस में अगर मैं सी को यहां पे बैठाता हूं और ये आउटसाइड है, तो उसके सेकेंड लेफ्ट में कौन बनेगा, डी बनेगा, ठीक है, ये सेकेंड लेफ्ट में हमें बना दिया, बट इस केस में हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि ये डी की फेसिंग क्या है, ना तो हमें पहले से पता चल रही है, ना ही दूसरे से, ना दोनों को कंबाइन करके, तो ये क्या आएगा, इसका आंसर बनेगा नीदर नॉर, ठीक है। तो देखिए यहां पे कौन सा बन रहा है, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, ये पहली वाली बनेगी, क्योंकि हमें डी की फेसिंग ही बतानी थी कि कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, इनसाइड या आउटसाइड, ठीक है, तो वो ना हम नहीं बता पा रहे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में यहां पे क्या गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन रहा है आपका R के बाद A आ रहा है, ठीक है, और Y के बाद देखिए यहां पे Y है, ZP, Z के बाद P आ रहा है, मतलब यहां पे पांच पांच लेटर का ये वर्ड बन रहा है, ठीक है, देखिए P R A, फिर उसके बाद गैप है, फिर Z बन रहा है, तो यहां पे Z आएगा, तो ये प्रेज, प्रेज P R A Y Z,
ठीक है, और पी आर ए वाई जेड इस तरह से बनेगा। तो कौन सा इसमें से मिसिंग जो लेटर्स हैं उनको हमें प्लेस करना है, ए जेड पी वाई, ए जेड पी वाई आर वाई, तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना था, वैसे इसमें तो काउंट करके करना था, बट हमें पता लग जाता है वर्ड्स का कि किस तरह से वर्ड बनेगा। ठीक है, इसमें सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे गिवन है कि हमें इन दिस क्वेश्चन अ क्वेश्चन इज फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट, ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है जिसमें कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दी गई है। हमें क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड वेदर दी डाटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, हमें बताना है इसमें तो क्वेश्चन क्या है, हाउ इज किशोर रिलेटेड टू सुजाता, किशोर किस तरह से रिलेटेड है सुजाता से। तो नव्या इज द डॉटर ऑफ किशोर, विनीता इज द वाइफ ऑफ किशोर। तो नव्या इज द डॉटर ऑफ किशोर, जैसे नव्या है वो डॉटर है, सॉरी, नव्या इज द डॉटर ऑफ किशोर, किशोर की डॉटर बन गई नव्या, और विनीता इज दी वाइफ ऑफ किशोर। आगे है अमन इज दी ब्रदर ऑफ नव्या, अमन इज दी ब्रदर ऑफ नव्या, और आगे है सुजाता इज दी ओनली डॉटर ऑफ अमन, सुजाता इज दी ओनली डॉटर ऑफ अमन, अमन की डॉटर बनी ना सुजाता, ओनली डॉटर है। तो हमें क्या बताना है, हाउ इज किशोर रिलेटेड टू सुजाता। देखिए सुजाता का जो फादर है, फादर का फादर, फादर का फादर मतलब ग्रैंड फादर, तो हम ये किससे बता पा रहे हैं, क्लियरली हम बता पा रहे हैं इससे कि दोनों का जो दोनों का डाटा है, बोथ वन एंड टू टुगेदर, दोनों को दोनों हमें चाहिए इसका आंसर करने के लिए कि किशोर किस तरह से रिलेटेड है किससे, सुजाता से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसमें हमें सिंपली करना क्या है, जहां पे ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, इनको हमें इंटरचेंज करना है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या है, और साथ ही साथ जो मल्टीप्लाई साइन है और जो ये डिवाइड साइन है इनको इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बनेगा, जैसे इसमें गिवन है यहाँ पे 163, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, फिर आएगा यहाँ पे 3, फिर प्लस की जगह आएगा माइनस, फिर आएगा 147, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, तो डिवाइड कर देते हैं इसमें, और माइनस की जगह क्या आएगा प्लस, इसमें हमें बताना है क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बन गया 3, ये बन गया 48, और इधर क्या बना, इसमें बना 21। अब प्लस 1 है तो क्या बनेगा, यहाँ पे इसमें माइनस 20 करना है, तो कितना आएगा 469, इसका आंसर बनेगा, जो 469 आपको ऑप्शन बी देखने को मिल रहा है। तो सिंपली आपने बॉड मास का रूल इसमें यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे, ये यहाँ पे स्टेटमेंट इन सॉरी इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है। इसमें कंक्लूजन देखिए यहाँ पे गिवन है, हमें सिंपली कंक्लूजन को देखना है कौन से इसमें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कौन से ट्रू है इसमें से कंक्लूजन, तो इसमें एस का रिलेशन एम से देखेंगे तो एस इज ग्रेटर देन एम। ठीक है, एस इज ग्रेटर देन एम, क्योंकि इसमें क्या कॉमन है, इसमें ग्रेटर है इस तरफ, देखिए अगर ये ओपन है इस तरफ, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ठीक है, और इसमें इक्वल टू है, बट अगर आगे देखें तो उसमें ग्रेटर कॉमन आ रहा है, तीनों में ग्रेटर आ रहा है, एस टू एम, तो ये तो गलत बनेगा। एफ का रिलेशन एस से, एफ का रिलेशन एस से देखेंगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा एफ इज लेस देन और इक्वल टू एस, बट यहाँ पे एक ही दिया है, या तो उसका बनेगा एफ लेस देन एस या फिर बनेगा एफ इक्वल टू एस, तो दोनों में से एक आएगा, तो इसमें से सिंगल जो है वो गलत बनेगा, ये आइदर और में बनता है, हमेशा ध्यान रखना। आई का रिलेशन जे से, तो आई का रिलेशन जे से क्या बन रहा है, आई इज लेस देन जे, बट यहाँ पे ग्रेटर दिया इसलिए ये भी गलत। एम का रिलेशन डी से देखते हैं, तो एम का रिलेशन डी से ये सही बन रहा है, क्योंकि उसमें क्या है लेस कॉमन है, तो उसमें क्या बनेगा ओनली 4 इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या करना है, पैटर्न को कंप्लीट करना है। पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि इस तरह से एक लाइन आ जाए, यहाँ पे एक जो है शेप बन जाए इस तरह से सर्कुलर, और ये कंप्लीट इस तरह से होगा, यहाँ पे ये लाइन इस तरह से बनेगी। ठीक है, अब ये जो शेप आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको ए ऑप्शन में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा।
नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का है और ऑलमोस्ट सिमिलर उसी की तरह क्वेश्चन है। 161 देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई को डिवाइड से करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई से, तो डिवाइड की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस है, प्लस की जगह माइनस आएगा 75, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, ये डिवाइड आ गया, और माइनस की जगह प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 15, और 15 में से 4 कम करो कितने बने, 11, ठीक है। और 11 को क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 ये बन गया, और इसमें से अगर मैं 11 कम करूँगा तो ये बनेगा 633, ठीक है। इजीली इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या क्या बना है। वन स्टेटमेंट इज गिवन एंड इट इज फॉलोड बाई टू इन्फ्रेंसेस, नंबर वन एंड नंबर टू, रीड दी स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द इन्फ्रेंस इज आर ट्रू फॉर दी गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सा इन्फ्रेंस इसमें से ट्रू है, इन्फ्रेंस का मतलब है कंक्लूजन, बट वो कंक्लूजन कौन देता है, वो देता है रीडर। तो उसमें देखिए, ये आपका वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग का। तो स्टेटमेंट दी गई है, फ्यूल प्राइसेस इन इंडिया आर इन्फ्लेटिंग डे बाय डे एंड देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ द प्राइस इंक्रीज, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपर लिमिट है उसमें, ठीक है। इन्फ्रेंस क्या दिया गया है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट कट डाउन देयर रिस्पेक्टिव टैक्सेस। तो देखिए, ये चीज तो इसमें दी नहीं गई, आपने कैसे इसको सॉल्व करना होता है, स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट से देखना है कि इसमें से हम क्या समझ पा रहे हैं। तो उसमें ये सेंटर या स्टेट की बात तो नहीं की गई है, ये इरेलेवेंट फैक्ट आ गया। तो इस वजह से क्या होगा, पहला तो उसमें से गलत है। इन्फ्लेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट इज इन्फ्लुएंसिंग द राइजिंग प्राइस ऑफ फ्यूल, तो ऐसा भी नहीं पता हमें, ठीक है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो है सेकंड इसका बनेगा इन्फ्लुएंस, तो सेकंड भी नहीं बनेगा। मतलब क्या है, नीदर वन नॉर टू इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये फिगर की एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। अब ये जो शेप दी गई है, इसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि ये जो शेप यहाँ पे थी, ये इधर मिल रही है, ठीक है। और ये एरो जो ऊपर जा रहा था, वो एरो नीचे जा रहा है। बोलने का मतलब है, इसमें जो मिरर इमेज की गई और उसको भी इन्वर्ट कर दिया गया, तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, इस तरह से, और उसको इन्वर्ट करेंगे तो ऊपर से नीचे बनेगी। तो आपको एरो इस तरह से दिखेगा, इस शेप में दिखेगा आपको एरो, ठीक है, ये एरो है। और साथ ही साथ जो पी आपको इस तरह से दिख रहा था, वो इन्वर्टेड फॉर्म में दिखेगा आपको इस तरह से, ठीक है। तो ये कौन सी जगह पे बन रहा है, ये ऑप्शन डी में बन रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें ये भी था, बट इसमें क्या है, ये पी नीचे रख दिया गया, ओके, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 7, 1, 4, 8, 3, 5, 6 इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं इसको। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4। सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं 7, 1, 4, 8, 3, 5, 6। तो देखिए 1 आ गया, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8। हमें बताना है कि कितने डिजिट जो है अपनी जगह से नहीं गए। तो कौन सा नहीं गया, सिर्फ एक, तो क्या आएगा, ओनली वन, दैट इज ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे हमें बताना है कि इनसे रिलेटेड दो, ये जो दो सेट है, इनसे रिलेटेड कैसे बन रहा है, अगला कोई सेट बन रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पे 5, 5, 25, 2, 5, 10, तो सिंपली हमें ये पता चल रहा है कि इसको मल्टीप्लाई किया और इसके इक्वल है, ये मल्टीप्लाई किया और इसके इक्वल है, 5, 5 जा 25, 2, 5 जा 10, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऐसी बन रही है। तो देखिए यहाँ पे 3, 3 जा 9, तो ऑप्शन डी इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी फिगर जो है ग्रुप को बिलोंग नहीं करती। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शेप है, इसमें 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 और इसमें क्या डिफरेंट लग रहा है आपको। देखिए बाहर वाली शेप जो है उसमें जो है साइड्स ज्यादा हैं और अंदर वाली शेप में कम है। और चार में तो ऐसा दिया गया कि उसमें सर्कल दिया गया है अंदर, बाकी इसी में डिफरेंट दिया गया, इसी में स्क्वायर दिया, तो यही इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये क्वेश्चन फिर से आ गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो देखिए ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सोच के चल सकते हैं कि इसमें हो सकता है कि कट ऑफ आपकी हाई जाए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, यहाँ पे ये प्लस और माइनस,
इनको इंटरचेंज करना है और मल्टीप्लाई और डिवाइड, सेम उसी तरह के तीन क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है तो 113 मल्टीप्लाई की जगह क्या, डिवाइड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और यहां पे क्या करेंगे 217 है, ठीक है, माइनस की जगह क्या करेंगे, माइनस की जगह प्लस, और 217 उसमें क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दो, और आगे क्या है प्लस 4 है तो उसमें माइनस 4 करेंगे, तो क्या आएगा इसमें, देखिए ये बन गया 452, और आगे क्या बनेगा इसमें 31, उसमें से 4 कम कर दो, कितना बना 27, तो 27 इसमें ऐड कर दो, 9 से देखो यहाँ पे 7 9 4 7 9 से ये आपकी ऑप्शन ये बन रही है, ठीक है ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें इसको लगाना है, कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखिए कॉटन होता है, कॉटन बनता है, कॉटन से थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड से बनाते हैं फैब्रिक, फैब्रिक से बनाते हैं शर्ट पीस, ठीक है छोटा सा टुकड़ा जो है कपड़े का, और उसके बाद क्या बनेगी, उसके बाद शर्ट बनेगी, तो 4 जो है एंड में आ रहा है, ये तीन जगह पे आ रहा है, हमने जैसे सीक्वेंस था उसी तरह से लिखते हैं, 5 5 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, फिर इसके बाद है थ्रेड 2, ये बनेगी इसमें सी ऑप्शन, ठीक है, तो आप ऐसे इसको एलिमिनेट करके इसको कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें गिवन है कि 7 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, सभी नॉर्थ में देख रहे हैं, ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी, ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी, देखिए डी के लेफ्ट में 3, तो कैसे आएगा, डी इधर है उसके लेफ्ट में, मतलब हमारे लेफ्ट में 1 2 3 तीन पीपल लेफ्ट में है, आगे बोला गया मतलब इसकी पोजिशन कहाँ पे बन रही, 7 लोगों में इसमें 4थी पोजिशन है, 5वीं 6ठी 7वीं यहाँ पे बनेगा, आगे है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, तो हो सकता है ए इधर आए, हो सकता है ए इधर आए, आगे गिवन है कि बी इज 5th टू द राइट ऑफ सी एंड जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई बट समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए, इसमें अगर मैं ए को यहाँ पे रखता हूँ उसके लेफ्ट में तो कोई नहीं बन सकता, ए को यहीं पे रखना पड़ेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना वो तो हम यहीं से बता पा रहे हैं कि ए इसमें एंड में बनेगा, ठीक है, बट अगर इसको कंप्लीट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हैं कि इसमें जो दिया गया है कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, बी इज 5th टू द राइट ऑफ सी, सी के 5th राइट में, अगर सी यहाँ पे होगा तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे जी बनेगा, अगर यहाँ पे सी को इधर रखूंगा तो वो गलत बनेगा, ठीक है, और उसी तरह से बोला है कि जी के इमीडिएट लेफ्ट में ई है और ए के कहीं पे लेफ्ट में है, तो उसमें से आंसर यही बनेगा, इसको कंप्लीट करने की भी जरूरत नहीं थी, ऑप्शन ए इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटर को लिखा गया है सी डब्ल्यू डब्ल्यू एस सी ओ, तो हमें देखने इसका, इसको निकाल के देखेंगे क्योंकि ये कंपेयर करके ही बनेगा, बटर वर्ड है सी डब्ल्यू डब्ल्यू और एस सी ओ, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे 2 W है, देखिए ये 2 पे है, 21 20 5 18 3 23 23 19 3 और 15, इसमें देखिए 2 से 3 हुआ तो 1 प्लस हुआ, 21 से 23 हुआ तो 2 प्लस हुआ, 20 से 23 हुआ तो 3 प्लस हुआ, 20 से 19 हुआ तो 1 माइनस हुआ, मतलब 2 पार्ट में चल रहा है क्वेश्चन, 5 से 3 हुआ तो माइनस 2 हुआ, 18 से 15 हुआ तो माइनस 3 हुआ, ये सीक्वेंस हम इस लेटेंट वर्ड में यूज करेंगे, ठीक है, सिंपली हमें लॉजिक मिल चुका है उसका यूज करना है, तो एल ए टी ई एन टी, इसमें करेंगे प्लस 1 तो एल के बाद आएगा एम, ए के बाद क्या आएगा प्लस 2 करके बी सी, टी के बाद प्लस 3 करके डब्ल्यू, जो कि यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है, माइनस 1 करेंगे तो डी, माइनस 2 करेंगे तो एल, और माइनस 3 करेंगे तो देखिए 17 पे कौन सा आता है, 17 पे आता है क्यू, तो एम सी डब्ल्यू डी एल क्यू, एम सी डब्ल्यू डी एल क्यू, ये बन रहा है ऑप्शन बी में, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि बहुत टफ क्वेश्चन था, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि कोई टफ क्वेश्चन हो, ठीक है, होता, देखिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या गिवन है, ए उसके बाद गैप है डी एफ, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एफ के बाद जी फिर आई है, थोड़ा गैप अगर ध्यान से देखें तो देखिए इसमें यू वी फिर क्या है
उसके बाद W आता है, बट X और Y ये सीक्वेंस में चल रहे हैं, U और V बिल्कुल साथ में है, फिर क्या आएगा? यहाँ पे Z को छोड़ दिया उन्होंने, मतलब जो है गैप में जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A के बाद क्या आता है? A के बाद B आता है, ठीक है। B के बाद जो है C को इन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद क्या आया? D, ठीक है। फिर ये B यहाँ पे फिल होगा, फिर देखिए D के बाद E को छोड़, D के बाद E है, A के बाद यहाँ पे एक्चुअली ये होगा, मैं बता थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ उसको। A जो है A के बाद यहाँ पे इन्होंने B को नहीं लिया, A के बाद इन्होंने क्या किया, सीधा C और D, ये सीक्वेंस में आ गया। B को इन्होंने क्रॉस कर दिया, जो आएगा यहाँ पे वो आएगा C, C से दो ऑप्शन है, ठीक है। ध्यान से देखने पे आपको C के बाद J भी मिलेगा और यहाँ पे Q और R, इनके इनमें से हमें फाइंड आउट करना है। C के बाद D आया, E को इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या आया? G, ठीक है, F और G, F और G आने के बाद इन्होंने H को छोड़ दिया, फिर I और J आने के बाद, जो कि हमारा नेक्स्ट लेटर बना, पहला लेटर ये, दूसरा लेटर ये, फिर J के बाद इन्होंने क्या किया, आई और जे के बाद के को छोड़ दिया, एल और एम आया, फिर उसके बाद एन को इन्होंने छोड़ दिया, फिर ओ और पी आया, क्यू को छोड़ दिया। तो क्यू से कौन सी ऑप्शन बन रही? क्यू से ऑप्शन बन रही है डी, यही इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पे बोला कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लेटर्स फ्रॉम हॉकी वर्ड। सेकेंड कौन सा है? ओ। फिर उसके बाद है फोर्थ, थर्ड फोर्थ के, फिर कौन सा? फिफ्थ ई, फिर वाई। तो ओ के में भी ए होता है, बट यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे बना सकते हैं ना, योक, योक एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो एक ही बनेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें ये बनेगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें गिवन है यहाँ पे कि हमें बताना है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्राउड का रिलेशन है डेंस से, स्लोप का रिलेशन किससे होगा? क्राउड का मीनिंग है मतलब डेंसिटी ज्यादा है, स्लोप का मीनिंग क्या है? स्टीपनेस ज्यादा है, तो ये स्टीपनेस आएगा, स्टीप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, हमें फाइंड आउट करना है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो अगर हम 49.85 को अगर इसमें लेके चलें, इसको 49, इसको 50 वैल्यू लेके चलें, इसको हम 5 लेके चलें और इसको हम 10 लेके चलें, तो क्या आएगा? 60 यहाँ पे प्लस था, 60 - 5 दैट इज इक्वल टू 55, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये कुछ यहाँ पे दिए गए हैं कि सम पेन्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर कार्स, सम कार्स आर स्पून्स। तो ये किसका क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है हमारा सिलोजिज्म का, ठीक है। तो सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर कार्स, ऑल बुक्स आर कार्स, और आगे है सम कार्स आर स्पून्स, सम कार्स आर स्पून्स। फर्स्ट देखिए कंक्लूजन, सम स्पून्स आर पेन, सम स्पून्स आर पेन, रिलेशन हमें नहीं पता तो ये गलत होगा। सम बुक्स आर पेन्स, सम बुक्स आर पेन, तो ये तो सही है, सेकंड सही है, ठीक है। यही दो कंक्लूजन थे, हमें इसी का आंसर बताना था, तो सेकंड इसमें कंक्लूजन सही आ रहा है, तो कौन से ऑप्शन में बन रहा है? ऑप्शन डी में बन रहा है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपने इन क्वेश्चन को सही किया होगा, एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। तो जाने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच।